2 वीक्स में आमतौर पे लाइपोसेक्शन, वजाइनोप्लास्टी या ब्रेस्ट रिडक्शन कोई भी दो सर्जरी करते हैं, 2 वीक्स में आमतौर पे रिकवरी पूरी हो जाती है और यू कैन गो बैक टू योर लाइफ। मेरा नाम डॉक्टर पंकज मेहता है, मैं एक प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। मैं अपोलो दिल्ली में, अपोलो नोएडा में और मल्टीपल हॉस्पिटल में अटैच हूँ। मम्मी मेकओवर सर्जरी क्या होती है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मम्मी मेकओवर सर्जरी? यूजली आमतौर पे फैमिली जब कंप्लीट हो जाती है इन लेट 30s और अर्ली 40s में, फीमेल की बॉडी का शेप ख़राब हो जाता है, तो हम मम्मी मेकओवर सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं। इसमें मोटे मोटी 3 सर्जरी हम लोग काउंट करते हैं। 1 इज लाइपोसेक्शन आपके एब्डोमेन के लिए, लाइपोसेक्शन अलोन और लाइपोसेक्शन विद टमी टक, जिसको हम लोग लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड सर्जरी जो हम लोग रिकमेंड करते हैं वो ब्रेस्ट जॉब होती है। ब्रेस्ट रिडक्शन भी हो सकता है, ब्रेस्ट लिफ्ट भी हो सकता है, ब्रेस्ट टाइटनिंग भी हो सकती है और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी हो सकता है मम्मी मेकओवर में। 3rd इज वजाइनोप्लास्टी और वजाइनल टाइटनिंग। 2 वीक्स में आमतौर पर लाइपोसेक्शन, वजाइनोप्लास्टी या ब्रेस्ट रिडक्शन कोई भी दो सर्जरी करते हैं, 2 वीक्स में आमतौर पर रिकवरी पूरी हो जाती है और यू कैन गो बैक टू योर लाइफ। हॉस्पिटलाइजेशन होने के लिए सिर्फ 1 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, 1 या मैक्सिमम 2 दिन के लिए अगर आप 2 सर्जरी को कंबाइन कर रहे हैं। सेकेंड डे ऑनवर्ड्स आप घर जा सकते हैं। एज सच किसी भी सर्जरी में कोई बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। आप रूटीन एक्टिविटी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं 2 या 3 दिन के बाद और 10 से 12 दिन में आप अपनी लाइफ में वापस जा सकते हैं। जो वर्किंग वूमेन है जो काम कर रहे हैं, 2-3 दिन के लिए अगर वो ऑफ ले लें और घर के अंदर अपना रहें, उसके बाद 4th-5th day पे दे कैन जॉइन देयर वर्क। सो आफ्टर द प्रोसीजर, इसे अगर आपने ब्रेस्ट जॉब किया, ब्रेस्ट रिडक्शन या ब्रेस्ट टाइटनिंग करते हैं, तो यूजली हम प्रेफर करते हैं कि स्पोर्ट्स ब्रा जैसे आती हैं टू सपोर्ट द ब्रेस्ट और अ प्रेशर गारमेंट 6 वीक्स के लिए डालना चाहिए। ऐसे ही लाइपोएब्डोमिनोप्लास्टी में टमी टकर्स आते हैं, रेडीमेड भी आते हैं, टेलरमेड फिट भी बनाए जाते हैं, वो 6 वीक्स के लिए डालने चाहिए फॉर ए बेटर शेप। वजाइनोप्लास्टी में ऐसा कोई ड्रेसिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, 3 to 4 वीक्स के लिए हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, उतना पीरियड हीलिंग में लगता है, उसके बाद दे कैन स्टार्ट देयर रूटीन लाइफ ऑल्सो।